हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ हिमालया ऑयल क्लियर फेस वॉश का। एंड ये स्पेशली उनके लिए है जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली होती है, क्योंकि गर्मियों में ऑयली स्किन पर पिंपल्स एक्ने जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये फेस वॉश हमारी प्रॉब्लम्स को, ऑयली स्किन की प्रॉब्लम को कम करने में हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हमारी स्किन को लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस फेस वॉश के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हैं तो ब्यूटीफुली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड बटन को क्लिक करके, और बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन से अपडेट रहें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिमालया हर्बल इंटेंस ऑयल क्लियर लेमन फेस वॉश का। तो इसका जो पूरा नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है इसका, एंड ये स्पेशली फॉर हिम्स मैंस के लिए है। और कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये 20 रुपीज़ में कुछ इतने साइज़ में हमको मिल जाती है। बैक साइड में वो ही इन्होंने इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऐड किया गया है। जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर पैराविन तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड साथ में इसके अंदर मिथेनॉल है और लेमन, जो हमारा लेमन होता है उसका एक्सट्रैक्ट ऐड किया गया है। तो मिथेनॉल हमारे फेस पर एक कूलिंग इफेक्ट देगा गर्मियों में, और हमारे फेस पर बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लाएगा। तो अगर आपके फेस पर ऑयल की प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा ऑयल सीक्रेट होता है, तो आप ये फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एंड कलर की, तो देखते हैं कि किस तरीके का जो कलर है यहाँ पर इसका आता है। एंड फ्रेंड्स, गर्मियों में ऑयली स्किन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हमें एक रेगुलरिटी और रूटीन बनाना होता है, लाइक क्लींजिंग, टॉनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो मेरे चैनल पर उसकी वीडियो है ड्राई स्किन एंड स्पेशली ऑयली स्किन के लिए, कि किस तरीके से आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं गर्मियों में। आप ज़रूर उस वीडियो को चेक कीजिए, डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो ये फेस वॉश है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर में आता है। अब इसको अच्छी तरीके से अपने फेस को गीला करने के बाद इसे हमें अप्लाई करना है। तो थोड़ा ही अमाउंट इसका हमें अप्लाई करना है और अच्छी तरीके से हमें इसको स्प्रेड कर लेना है अपने फेस पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लेदर है, लाइक बहुत सारे फेस वॉश होते हैं उनके अंदर बहुत सारे झाग बनते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं जो हमारे फेस के लिए हार्मफुल होते हैं। बट फिर भी आप इसको एक बार अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, कहीं आपको किसी भी तरीके की अगर इरिटेशन या इचिंग की प्रॉब्लम है तो आप वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। मैं अपने सब वीडियोस में बताती हूँ कि सबकी स्किन टाइप अलग अलग होती है, तो इसलिए आप कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। एंड ये जो फेस वॉश है, ये स्पेशली मैंस के लिए है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, गर्मियों में आपके ऑयल की जो प्रॉब्लम है उसको कम करेगा, आपके जो पोर्स होते हैं फेस के उनको मिनिमाइज करेगा, और ड्राइनेस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं लाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था इसका एक छोटा सा रिव्यू। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, साथ में ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। एंड पुरानी वीडियोज़ के लिंक ऊपर पॉपअप हो चुके हैं जिनके अंदर मैंने बहुत प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया, आप उसको ज़रूर चेक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।